नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स के अपने डिस्कशन में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं टॉपिक होम लोन एंड इनकम टैक्स। एक्चुअली बाय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आई फेल्ट के होम लोन जब भी हम लोग लेते हैं तो उसके संदर्भ में कि इनकम टैक्स में उसका कितना डिडक्शन मिलता है, कैसे डिडक्शन मिलता है, कब डिडक्शन एलिजिबल होगा कब नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग पे घूमते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों का हल सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू। तो सर, सबसे पहले मैं केवल आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेरीज ही रख रहा हूं कि क्या क्या क्वेरीज हैं जो हमारे सामने आती हैं, कि जैसे कि होम लोन क्या होता है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है कि कैसे डिटरमाइन करूं कि एक पर्टिकुलर लोन होम लोन है या नहीं है। क्या एक होम लोन मॉर्गेज लोन या टॉपअप लोन से अलग होता है या नहीं होता है? व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन ऑफ होम लोन इंटरेस्ट इन इनकम टैक्स प्रोविजन? हमारे को होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन किस प्रकार से मिलेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। वेदर होम लोन शुड बी अवेल्ड ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स ओनली, और कैन इट ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम द रिलेटिव्स? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वेदर लोन अवेल्ड ऑन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ होम लोन, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंड स्पेशल डिडक्शन फॉर फर्स्ट होम लोन बायर, ये भी एक क्वेश्चन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पहली बार अपना मकान खरीदने जा रहे हैं और उसके संदर्भ में एक होम लोन ले रहे हैं, तो उन्हें भी क्या एडवांटेज मिल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे के डिस्कशन में इन सभी प्रश्नों का हल हम ढूंढ पाए। तो अब सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्हाट इज अ होम लोन? एक होम लोन क्या है सर? इट इज अ लोन अवेल्ड फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। अब दो चीजें हैं सर यहां पर। अगर आप टर्मिनोलॉजी को देखेंगे तो वो स्पष्ट रूप से कह रही है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो मकान के निर्माण के लिए या उसको खरीदने के लिए या उसके रिपेयर के संदर्भ में या उसका नवीनीकरण कराने के लिए या उसको वापस से निर्मित करने के संदर्भ में होना चाहिए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है सर कि व्हाट इज अ हाउस प्रॉपर्टी? और मैं यहां पर आपकी जानकारी में निश्चित रूप से बात लाना चाहता हूं कि सर, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रत्येक संपत्ति से है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, जो कि आपके स्वामित्व में है एवं जिसे आप अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहे। आप इसे एक उदाहरण से समझें सर कि मान लीजिए आपके पास में एक रेजिडेंशियल हाउस है और आप उसका महीने का 20,000 रुपये किराया कमा रहे हैं, निश्चित रूप से हाउस प्रॉपर्टी है। आपके पास में एक शॉप है या कॉमर्शियल ऑफिस है, उसका भी आपको 25,000 रुपये प्रत्येक माह का किराया आ रहा है, ये भी सर इनकम टैक्स लॉ की नजर में एक हाउस प्रॉपर्टी है, यदि ये प्रॉपर्टी आपके स्वयं के स्वामित्व में है। तो सर, हम बाय डिफॉल्ट ये समझते हैं कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, परंतु ऐसा नहीं है। एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो आपके स्वामित्व में है एवं जिसे आप बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहे, वो भी इनकम टैक्स के पर्पजेस से एक हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और होम लोन क्या है सर, वो मैंने आपके सामने यहां पर रखने की कोशिश करी। तो अब सर अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ होम लोन एंड अ मोर्गेज और टॉपअप लोन? एक्चुअली क्या है, आपके मेरे समझने से कोई लोन होम लोन नहीं हो जाता। होम लोन कोई लोन है या नहीं है, इसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये डिटरमाइन करना है कि उस लोन का प्रयोग क्या हुआ है, दैट इज व्हाट इज द यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन। यदि कोई पर्टिकुलर लोन लेकर के आपने मकान संपत्ति के निर्माण में, खरीदने में, रिपेयर्स में, रिनोवेशन में, रिकंस्ट्रक्शन में लगाया है सर, तब तो वो होम लोन है, और यदि नहीं लगाया तो सर वो होम लोन नहीं। अब ये बात मैं स्पष्ट रूप से इसलिए आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या बैंक भी इस प्रकार से लोन करती हैं कि एक आपको होम लोन दिया और उसके साथ में कुछ आपको एक टॉपअप लोन यानी एक्स्ट्रा लोन और सैंक्शन कर देते हैं। अब वो एक्स्ट्रा लोन जो होता है सर, उसका टाइटल वो होम लोन नहीं करते। तो यहां पर प्रश्न आता है सर, जब उस लोन का टाइटल होम लोन नहीं है तो फिर किस प्रकार से सर उस लोन के संदर्भ में पे किए गए इंटरेस्ट का भी आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा? तो प्राइमा फेसा आंसर ये होगा सर, यदि आपने कोई लोन एज होम लोन अवेल नहीं किया
और वो एक मॉर्गेज लोन या टॉपअप लोन है। और मॉर्गेज लोन का सीधा सा मतलब ये है सर कि जिसका प्रयोग लोन देने वाला सुनिश्चित नहीं करता। जैसे मान लीजिए मुझे मेरे व्यवसाय में 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, मैंने अपनी मकान संपत्ति को गिरवी रखा, 5 लाख रुपए का लोन उस संपत्ति के अगेंस्ट में लिया और अपने व्यवसाय में लगा दिया। नाउ दिस इज नॉट अ होम लोन, चाहे उसके लिए संपत्ति मेरी होम लोन ही है, यानी संपत्ति मेरी मकान संपत्ति है, लेकिन वो होम लोन नहीं है सर। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये कह सकता है कि आप बताइए कि जिस लोन को आप होम लोन क्लेम कर रहे हैं वो किस प्रकार से एक मकान संपत्ति के निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में, रिपेयर में, रिन्यूअल में लगा है। यदि आप ये एस्टेब्लिश कर देते हैं सर, तो चाहे वो पर्सनल लोन ही क्यों ना हो, मेरी ओपिनियन में वो भी होम लोन माना जाएगा। मैं इसको और स्पष्ट तरीके से बोलूं तो मान लीजिए मैंने किसी भी पर्सन से, एक्स वाई जेड जो मेरे मित्र हैं, उनसे पैसा लिया 4 लाख रुपए उधार और मैंने मकान के कंस्ट्रक्शन में उसको लगा दिया, मेरी ओपिनियन में सर वो भी होम लोन है। तो सर होम लोन का बाइफरकेशन, यानी क्या लोन होम लोन है या अदरवाइज है, ये इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें डिटरमाइन करना आना चाहिए। अब सर मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर के आ रहा हूं वो है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन ऑफ होम लोन इंटरेस्ट इन इनकम टैक्स प्रोविजन। यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है सर हम सबके सामने, हम इसे देखते रहते हैं कि अच्छा कितने का मेरे को इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा यदि मैंने होम लोन लिया है। और मैं इस बात को बाइफरकेट करना चाहता हूं सर कि क्या आपकी रिलेवेंट प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी आप उसमें रहते हैं, या वो प्रॉपर्टी रेंटेड है। और मैंने सर इंटरेस्ट का बाइफरकेशन कर दिया है प्री ईएमआई इंटरेस्ट यानी ईएमआई शुरू होने से पहले के ब्याज में, और ईएमआई इंटरेस्ट यानी जहां आपको इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर्मेट में किसी होम लोन का पेमेंट करना है। तो लॉ का जो फॉर्मेट है वो ये मानता है कि यदि आपका कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपका एक्विजिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ और आपने इस दौरान लोन अवेल कर रखा है और आप इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली प्री ईएमआई इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उसका डिडक्शन नॉट अलाउड लिखा है, यानी आपको वो डिडक्शन इनकम टैक्स लॉ नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि कभी नहीं देगा। लॉ ये कहता है सेक्शन 24 में कि ऐसा इंटरेस्ट जो प्रीएमआई का इंटरेस्ट है, जिसका अभी हमने आपको डिडक्शन नहीं देना है क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, आपका एक्विजिशन पूरा नहीं हुआ, तो जिस वर्ष में आपका कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन पूरा हो जाएगा उस वर्ष सहित टोटल 5 साल में आपको ऐसे प्रीएमआई इंटरेस्ट का डिडक्शन इनकम टैक्स लॉ में दे दिया जाएगा। तो सर ये चीज समझना कि अभी मैं प्रीएमआई इंटरेस्ट दे रहा हूं या मैं ईएमआई इंटरेस्ट दे रहा हूं, यह महत्वपूर्ण है और इसी से आप ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या आप किसी पर्टिकुलर लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करने के लिए अभी एलिजिबल हैं या नहीं। अगर मान लेता हूं मैं कि आपका ईएमआई शुरू हो गया, यानी आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, एक्विजिशन पूरा हो गया और अब आपने इंटरेस्ट का भुगतान किया है, तो सर ऐसी परिस्थिति में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पर 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, यदि यह लोन रिपेयर का लोन है तो ऐसी परिस्थिति में आपके क्वांटम जो मैक्सिमम है वो 2 लाख नहीं है, केवल 30,000 है। ऐसा सेक्शन 24 क्लॉज बी की व्याख्या से इनकम टैक्स एक्ट से निकल करके आता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट रिपेयर्स को छोड़ देता हूं, अगर आपका कंस्ट्रक्शन है, एक्विजिशन है, एक्सटेंशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, मेरी ओपिनियन में उन सब जगह पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन सर 2 लाख है और रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी पर सर कोई लिमिट नहीं है, यानी आप कितने भी क्वांटम के इंटरेस्ट का डिडक्शन, चाहे वो 1 करोड़ 2 करोड़ क्यों ना हो, आप ले सकते हैं। एक और प्रश्न सर जो मैंने आपके लिए यहां रखा है, व्हाट इफ 2 प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये बात क्यों आई सर, फिनेंस एक्ट 2019 में, यानी सरकार ने बजट 2019 में सब्सिक्वेंटली ये घोषणा करी थी कि आप एक की जगह 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकते हैं, और क्योंकि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल मानते हैं, तो उन्होंने बोला कि अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल मानी जा सकती है। ये एनुअल वैल्यू निल मानने से क्या बेनिफिट होता है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए मेरे अब तक 2 मकान थे 31 मार्च 2019 तक, तो सरकार ये कहती थी कि अच्छा भटिया जी आपका एक पर्टिकुलर मकान तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड है ही और दूसरे मकान को हम ये मानेंगे जैसे कि यदि वो खाली भी पड़ा है तो किराए पे दिया।
तो बजट 2019 में सरकार ने क्लियर किया कि ओके हम दो मकान की भी एनुअल वैल्यू नहीं मानेंगे, यानी एक मकान में मैं रह रहा हूं और एक मकान मेरा खाली पड़ा है तो भी सर उस प्रॉपर्टी की भी कोई रेंटल वैल्यू सरकार टैक्स नहीं करने वाली। तो ये एक रिलीफ बजट 2019 के थ्रू एसएससीज को सरकार ने दिया था। तो इस बात का मद्देनजर रखते हुए मैं अभी भी यही कहूंगा सर कि अगर मान लीजिए आपके पास में दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो भी आपका मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट का 2 लाख होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपके पास में चाहे एक चाहे 10 चाहे 100 रेंटेड प्रॉपर्टी हो, उन सब के इंटरेस्ट के क्लेम के लिए कोई लिमिट लॉ में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, यानी आप कितना भी इंटरेस्ट पे करें आपको डिडक्शन मिलेगा। मैं आगे के डिस्कशन में सर इसी बात को एक उदाहरण के थ्रू आपके सामने लेकर के आता हूं। तो अब ये स्लाइड बड़े ध्यान से देखिएगा सर आप मेरे साथ में। मैंने यहां पर दो प्रॉपर्टी सिनारियोज देखे हैं, जैसे एनुअल वैल्यू 1 का मतलब है मेरा पहला उदाहरण और एनुअल वैल्यू 2 का मतलब है मेरा दूसरा उदाहरण। मैं ये मान रहा हूं कि एसएससी के पास में दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ए जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है और प्रॉपर्टी बी जो कि रेंटेड प्रॉपर्टी है। जैसा कि मैंने पहले कहा सर, प्रॉपर्टी ए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके एनुअल वैल्यू मैंने नील मान ली, और दूसरी प्रॉपर्टी का मान लीजिए मैं मानता हूं कि 50,000 रुपए प्रतिमाह किराए पर वो चढ़ी हुई है, साल का 6 लाख रुपए एसएससी को किराया आता है। अब सेक्शन 24 क्लॉज ये कहता है साहब आपको 30% डिडक्शन मिलेगा, लेकिन जिसकी एनुअल वैल्यू नील है 30% डिडक्शन नील हो गया, जिसकी 6 लाख है उसमें 30% के हिसाब से 1,80,000 का डिडक्शन मिल गया। अब मैंने मान लिया कि एसएससी ने कुछ ब्याज भी ले रखा है इन संपत्तियों को बनाने में या इन संपत्तियों को खरीदने में। मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर एसएससी ने 1.5 लाख रुपए का ब्याज ले रखा है, ब्याज दिया है, और किराए वाली प्रॉपर्टी पर एसएससी ने 2 लाख का ब्याज दिया है। तो सर नेट इनकम एसएससी की क्या बची, पहले सिनारियों में 1.5 लाख और दूसरे सिनारियों में एसएससी के पास में 6 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 2 लाख, यानी 6 - 3 = 20, नेट 2,20,000। अब ये 1,50 और 2,20 भी सब आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे तो नेट इनकम एसएससी के पास में पॉजिटिव बच गई 70,000। दिस विल बी द फाइनल हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ द एसएससी। अब आप मेरे साथ में चलिए दूसरे सिनारियों में जो थोड़ा सा इसका इंप्रूव्ड वर्जन है कि मान लीजिए सर पहली प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नील वैल्यू, दूसरी प्रॉपर्टी रेंटेड प्रॉपर्टी सर 6 लाख रुपए की रेंटल वैल्यू, पहली में स्टैंडर्ड डिडक्शन सर नील, दूसरी में वही 30% 1,80,000। अब मैं ये मान रहा हूं कि पहली प्रॉपर्टी में आपने 2,25,000 का ब्याज दिया और दूसरी प्रॉपर्टी में आपने 7 लाख रुपए का ब्याज दिया। तो सर अब आपके पास में जो नेट इनकम कैलकुलेट होकर के आई, पहली प्रॉपर्टी में आपके पास में नेट में मैंने -2 लाख लिखा। क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख से ज्यादा का डिडक्शन आपको सेक्शन 24 क्लॉज बी में नहीं मिलेगा। जहां तक सर दूसरी प्रॉपर्टी की बात है, 6 लाख में से मैंने 1,80,000 घटाया, बचा मेरे पास में 4,20, और अब मैंने 7 लाख रुपए यदि और घटाए तो मेरे पास में नेट इनकम आई सर 2,80,000 रुपए माइनस। इस प्रकार से सर मेरे पास कैपिटल गेन हेड में नेट में 4 लाख, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी हेड में नेट में 4,80,000 रुपए की लॉस की इनकम आ चुकी है। और सेक्शन 71 में किए गए अमेंडमेंट के कारण से आप 2 लाख से ज्यादा का नुकसान हाउस प्रॉपर्टी हेड का दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि आप 4,80,000 में से केवल 2 लाख रुपए का लॉस तो किसी भी और हेड की इनकम से एडजस्ट कर लीजिए और बाकी का 2,80,000 का लॉस आप आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये कैरी फॉरवर्ड आपको अगले 8 साल तक हाउस प्रॉपर्टी इनकम में किसी और हाउस प्रॉपर्टी की पॉजिटिव इनकम से एडजस्ट करने के लिए मिलेगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपके लिए निश्चित रूप से हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के एस्पेक्ट को समझने में मददगार होगा। अब जैसा कि मैंने पहले आपके सामने प्रश्न रखा था सर, वेदर होम लोन शुड बी अवेल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स ओनली और इट कैन ऑल्सो बी अवेल्ड ऑफ फ्रॉम एनी पार्टी। एनी पार्टी मीन्स सर इट कुड बी अ रिलेटिव, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी माई फादर, इट कुड बी माई मदर, इट कुड बी माई ब्रदर सिस्टर और सो एंड सो। तो मेरा ये कहना है सर, सेक्शन 24 क्लॉज भी कहीं भी ये नहीं बोलता है कि आपका होम लोन आपने किसी संस्था से लिया हो। यानी यदि आप अपने लोन की जेन्युइननेस एस्टेब्लिश कर पाए दो तरीके से, पहला कि जिस पर्सन ने आपको लोन दिया वो
से उसका डिफाइंड सोर्स है। हालांकि इनकम टैक्स लॉ ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन जनरली जब हम इंडिविजुअल से लोन लेते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जानना चाहता है कि क्या उस व्यक्ति के पास में स्रोत भी था जिससे वो आपको लोन दे सकता था, तो इसलिए मैं सेफर साइड ही एडवाइस कर रहा हूँ। दूसरी बात सर, आपने अगर किसी भी रिलेटिव से फ्रेंड से लोन लिया है और आपने ये सुनिश्चित कर दिया कि उस पैसे का प्रयोग आपने फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा किया है, तो निश्चित रूप से सर उस लोन का डिडक्शन आपको सेक्शन 24 क्लॉज बी में मिलेगा। ऐसे लोन के डिडक्शन को क्लेम करने से, इंटरेस्ट के डिडक्शन को क्लेम करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अब दोस्तों, मैंने पहले ये प्रश्न आपके सामने रखा था, वेदर लोन अवेल्ड ऑन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन इज ऑल्सो अ होम लोन। तो जैसा मैंने पहले आपको बोला कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, जिससे आपने ऑनरशिप में रखा हो और जिसे आप अपने व्यवसाय में प्रयोग नहीं करते हो, सर वो एक हाउस प्रॉपर्टी है। तो इसलिए मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि यदि आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पर भी लोन लिया है, या एक्विजिशन पर भी लोन लिया है, रिपेयर पर भी लोन लिया है, तो इनकम टैक्स लॉ की नजर में सेक्शन 24 क्लॉज बी में वो भी एक होम लोन है और आपको ऐसे लोन का डिडक्शन भी निश्चित रूप से इनकम टैक्स की आय की गणना में मिलेगा। एक और प्रश्न का उत्तर, स्पेशल डिडक्शन फॉर फर्स्ट होम बायर्स। आपकी नॉलेज में ये बात ऑलरेडी होगी कि बजट 2019 से सरकार एक नया प्रावधान सेक्शन 80EE के नाम से इनकम टैक्स लॉ में लाई थी और ये कहा था कि यदि आप फर्स्ट होम लोन टेकर हैं, यानी आप पहली बार अपना रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हैं और आपके मकान की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक की नहीं है, यानी इससे ऊपर नहीं है, और आपने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में अपना लोन सैंक्शन कराया है, तो हम आपको 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन और देंगे। यानी आपको ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 24 क्लॉज बी में 2 लाख का डिडक्शन और 80EE में 1.5 लाख का डिडक्शन, कुल मिला के 3.5 लाख तक का भी बेनिफिट मिल सकता है। मैं दोस्तों यहां ये कहना चाहूंगा कि मैंने इस विषय पर 80EE पर एक अलग से पहले वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूं, आप विस्तृत डिटेल्स के लिए उसको रेफर कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न दोस्तों, हाउ टू क्लेम होम लोन डिडक्शन इन केस ऑफ को ऑनरशिप। यदि आपकी को ऑनरशिप है, यानी मान लीजिए मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर के एक मकान संपत्ति खरीदी, हमने 50 लाख का लोन लिया, इसमें से 50 लाख का लोन भी हमने लिया और वो संपत्ति हम दोनों के नाम पर है। अब आधी किस्त मैं दे रहा हूं, आधी किस्त वो दे रही है, क्या दोनों को ही होम लोन का डिडक्शन मिलेगा? 100% सर दोनों को मिलेगा। आपका अगला प्रश्न, क्या दोनों को 2-2 लाख का डिडक्शन मिलेगा? 100% सर दोनों को 2-2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं सर, 60% EMI मैं दे रहा हूं, 40% EMI मेरी वाइफ दे रही है, क्या हम आपस में इंटरेस्ट के डिडक्शन को 60-40 कर सकते हैं? मेरी राय में कोई आपत्ति नहीं है सर, आप जिस प्रपोर्शन में इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उस प्रपोर्शन में आप इंटरेस्ट का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, एज सच मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं लगती। आप ये भी कह सकते हैं सर कि रादर देन मैं स्पाउस के साथ लेने की जगह मेरे फादर के साथ, मेरी मदर के साथ, मेरे भाइयों के साथ मिलकर के लोन लूं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी डिडक्शन मिलेगा प्रोपोर्शनेटली? बिल्कुल मिलेगा सर। एक चीज जहां पर मैं थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा हूं, अगर मान लीजिए संपत्ति पेरेंट्स की है और लोन मैंने लिया है उसके ऊपर, पेरेंट्स को साथ में कोबोरो बना लिया और ईएमआई का भुगतान मैं कर रहा हूं, क्या ऐसी परिस्थिति में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? मेरी ओपिनियन में सर दिक्कत हो सकती है ऐसे मामले में, क्योंकि यदि मेरी ऑनरशिप नहीं है, यानी प्रॉपर्टी मेरे पेरेंट्स के नाम है, चाहे होम लोन का पेमेंट मैं कर रहा हूं सर, ऐसे होम लोन का डिडक्शन क्लेम करने में नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो मेरा एडवाइस ये है सर कि या तो आपके पास में ऑनरशिप राइट हो तभी आप संबंधित प्रॉपर्टी के होम लोन का डिडक्शन क्लेम करें, अन्यथा होम लोन का डिडक्शन क्लेम करने के ऐसे मामले में आपको समस्या आ सकती है। में दोस्तों, मैं हमेशा की भांति आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, यह आपका प्रोत्साहन ही है जिसकी वजह से मैं नए नए विषय और ऐसे विषय सर जिस पर मुझे लगता है इनकम टैक्स संबंधी भ्रांतियां मार्केट में हैं, मैं उन पर क्लैरिटी लाने की कोशिश
करता रहा हूं, करता रहूंगा। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उनका एक उचित समाधान प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।